श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। महादेव की पूजन तो वैसे रोज की जाती है, पर सोमवार के दिन विशेष होता है। और गुरुजी पंडित पदी मिश्रा जी ने भी उपाय ऐसे कई बताए हैं जो सिर्फ सोमवार के दिन के करने के हैं। आज की वीडियो में हम आपको सोमवार के 5 महा उपाय बताने वाले हैं, जो आप किसी भी सोमवार में कर सकते हैं। पहला उपाय सोमवार का विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है। दूसरा उपाय गुस्सा खत्म करने वाला उपाय। और तीसरा उपाय है शीघ्र विवाह के लिए सोमवार का विशेष उपाय। और चौथा उपाय है नौकरी या इंटरव्यू में सफलता पाने वाला उपाय। और पांचवा उपाय है शिव शक्ति मनोकामना पूर्ति उपाय। इस पांचों उपाय आसान और उपयोगी हैं। आप चाहो तो कोई भी एक या एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई जरूरी जानकारी ना छूटे। पहला उपाय है पिता को पुत्री अत्यंत प्रिय होती है और शिव जी को माता अशोक सुंदरी अत्यंत प्रिय है, जो भोलेनाथ की बेटी हैं। और ये उपाय भी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करना है। आपको बस इतना करना है कि एक बेलपत्र को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है, जैसे हमने भी किया है। इसके बाद इसी के ऊपर एक कलर जल ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना भोलेनाथ से करना है। बस इतना ही करना है। दूसरा उपाय, घर में सुख शांति और बरकत तब तक नहीं आती है जब तक घर के सदस्यों का आपस में प्रेम ना हो। अगर घर में लड़ाइयाँ होती हैं, अब वो चाहे माँ बेटे, सास बहू या पति पत्नी की हो, इस वजह से घर में कभी बरकत नहीं देखने को मिलेगी, तो आपको एक काफ़ी अच्छा उपाय करना है। आपको एक आटे का दिया तैयार करना है। ये दिया चौमुखी होना चाहिए, मतलब इसमें 4 बाती का उपयोग करना है और इसमें आपको सरसों का तेल डालना है। इस दीपक को आपको भोलेनाथ के मंदिर के चौखट में अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए प्रज्वलित कर देना है और विनती करना है भोलेनाथ घर का माहौल अच्छा हो जाए, ऐसी कृपा करें। तीसरा उपाय है, अगर आपकी विवाह में शादी में देरी हो रही है, अब चाहे कारण कोई भी हो पर आपकी शादी के योग नहीं बन पा रहे हों, तो इस उपाय को सोमवार को जरूर कीजिएगा। आपको थोड़ी सी केसर लेना है और उसको घिस लेना है। केसर के चंदन को आपको बेल पत्र की बीच वाली पत्ती पर लगा देना है और उसे शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। बेल पत्र को जो केसर वाला भाग है वो अशोक सुंदरी को छुए, स्पर्श कर इस तरीके से आपको अर्पित करना है। बस आपको इतना ही करना है। चौथा उपाय है, अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, ना ही प्राइवेट नौकरी लग रही है, इंटरव्यू में भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक धतूरा प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उपाय करना है, सफलता जरूर मिलेगी। और पांचवा उपाय है, अगर आपकी कोई मनोकामना बहुत समय से पूरी नहीं हो रही हो, शिव शक्ति वाले उपाय को जरूर करें। जैसे कि आपको पता है बेलपत्र के पेड़ की उत्पत्ति माता पार्वती के अश्रु से हुई है, तो उपाय भी यहीं से शुरू होता है। आपको एक कलश में साफ जल भर के उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला लेना है। लाल चंदन वाले जल को आपको वेल पत्ती के वृक्ष के नीचे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र बोलते हुए अर्पित करें। इसके बाद आपको एक कलर साफ जल लेना है और उसे आपको शिव मंदिर में शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ये उपाय आपको प्रत्येक सोमवार को सिर्फ और सिर्फ प्रदोष काल में, मतलब शाम के समय करना है। इस प्रकार से जल अर्पित करने से शिव और शक्ति की आप पर कृपा होगी और आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।